दोस्तों, ये प्लान जो है वो 25 फीट बाई 30 फीट का है और इसमें 2 BHK विद अटैच बाथरूम, पूजा रूम, हॉल, किचन, हर एक चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। बसरते वीडियो पे बने रहिए। और बहुत ही कम जगह में मात्र 750 स्क्वायर फीट के करीब दोस्तों आपको 2 BHK का फुल सेटअप इसमें मिलने जा रहा है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंट्री से, ठीक है। ये है इस वाले घर के लिए एंट्री। एंट्री के साथ ही दोस्तों आप देख सकते हैं एक बड़ा सा हॉल आपको मिल जाता है, ठीक है। बहुत सही और स्पेसियस हॉल आपको मिल रहा है दोस्तों। एक एक चीज़ दिखाऊंगा, बस अभी आप वीडियो पे बने रहिए। दोस्तों आप राइट साइड में देखेंगे इस जगह को, तो यहाँ पे एक आपके लिए किचन का सेटअप किया गया है। ये देख सकते हैं, ये एक किचन है, ठीक है। किचन का भी देख सकते हैं दोस्तों, डायमेंशन काफ़ी सही दिया गया है। ये देख सकते हैं एग्जॉस्ट फैन, विंडो वगैरह और सिंक वगैरह सारी चीज़ की व्यवस्था इसमें है। ये आप जो जगह देख रहे हैं दोस्तों, ये हॉल का है। और हॉल के इस साइड में देखेंगे, किचन के बिल्कुल बगल में देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक पूजा रूम दिया गया है। ये देख सकते हैं, ये पूजा रूम है। इसके बाद मैं अभी हॉल में हूँ और इधर से हमारी एंट्री हुई थी। सील लेवल देख सकते हैं दोस्तों, खिड़की का कितना नीचे रखा गया है ताकि काफ़ी सही एक्सपीरियंस लिया जा सके। और आगे देखेंगे दोस्तों, तो ये आप देखेंगे कि एक कॉमन टॉयलेट कम बाथरूम दिया जा रहा है, ठीक है। ये हो गया टॉयलेट कम बाथरूम। आप जगह देख लीजिए कहाँ पे आपको कौन सा चीज़ अरेंज करना है ताकि आपका जगह की बर्बादी ना हो और आप सही तरीके से प्लान कर पाए। दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल सा ये डिज़ाइन है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है कि आप इसको कैच नहीं कर पाएंगे। दोस्तों राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी एक एक बेडरूम है, ठीक है। ये आप एक बेडरूम देख सकते हैं, बेडरूम है और इसमें वार्डरोब दिया गया है, एक अलमीरा बनाया गया, वार्डरोब दिया गया, ठीक है। दो खिड़की दिया गया है। आप चाहें तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये पूरा का पूरा बाथरूम होने वाला है, तो आप इस वाले बेडरूम से भी अटैच कर सकते हैं, या फिर आपको मन करे तो यहाँ पे इस वाले बेडरूम से भी आप एक बाथरूम को अटैच कर सकते हैं। तो मात्र 750 स्क्वायर फीट में दोस्तों इस तरीके के प्लानिंग काफ़ी सही होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा जगह का वेस्टेज नहीं होता है दोस्तों। प्लम्बिंग वर्क एक एक पॉइंट जो है वो हमारे चैनल पर डिस्कस किया गया है, उसको जा करके देख सकते हैं। प्लम्बिंग में कौन कौन से पॉइंट आपको ध्यान देने चाहिए या फिर कौन कौन से पॉइंट आपको दिलवाने हैं अपने बाथरूम में, ये सारी चीज़ें उस वीडियो में बताई गई हैं। यह वेंटिलेशन बहुत मस्ट है, ठीक है। इस तरीके से आप जो है वो अपने लिए 2 BHK घर बिल्कुल डिज़ाइन कर सकते हैं।